मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था वो था मॉलिक्यूलर कोलिजन एंड मीन फ्री पाथ वगैरह, जो कि नॉर्मली आपसे सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही पूछा जाएगा और बहुत ज़्यादा उसमें हाई लेवल की कुछ चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में कुछ है नहीं। देखो एक्चुअली मैंने क्या बोला था, मैक्सवेल ने जो भी चोदा था वो तो उसके दिमाग के ऊपर थे। ठीक है, बेसिकली कोई एक्सपेरिमेंट अगर डाटा तो था नहीं, तो जो भी उसने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया था टोटली बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा कि इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सारी की सारी बातें किसमें थी, प्रोबेबिलिटी के ऊपर थी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो आपका आता है, इट गिव्स स्टैटिस्टिकल एवरेज ऑफ स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ होल कलेक्शन ऑफ गैस क्या पॉइंट है ये भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है इसमें कि ग्राफ बिटवीन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एंड स्पीड इज अ बेल शेप, इट इज अ बेल शेप ग्राफ। ठीक है, बेल शेप ग्राफ होता है, इस तरीके से ग्राफ रहता है ये। ठीक है, यहाँ पे होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, y एक्सिस में आपका क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसको हम dm by n भी कहते हैं, dm by n। ठीक है, एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल y एक्सिस में रहता है और यहाँ पे रहता है स्पीड, क्या रहता है स्पीड। ये ग्राफ कुछ ऐसा रहता है बेटा, कैसा रहता है, बेल शेप का कर्व रहता है। ठीक है, अब समझो इस ग्राफ में क्या था। देखो एक्चुअली क्या था, दो चार बातें में से ग्राफ से, और बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, बट इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है हमें, दो चार बातें बस हमें याद रखनी। ठीक है, एक तो टोटल के टोटल प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड था ग्राफ, दूसरा क्या था, ये एक स्टैटिस्टिकल मतलब जो भी देता है ना, ये पूरा का पूरा ये मुझे बता दे कि कितने मॉलिक्यूल्स का एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, या किस मॉलिक्यूल का कितना स्पीड होगा, मुझे ये थोड़ा बहुत आइडिया देता है। और ये कौन सा ग्राफ होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड के बीच में। ठीक है, अब आप देखो इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, लेट इस पॉइंट की, ठीक है, इस पॉइंट में लेट दिस v1 v2। ठीक है, तो आप देखो जो बहुत मतलब जो बहुत धीरे चल रहे मॉलिक्यूल, जिसकी स्पीड बहुत कम है, वैसे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल भी बहुत कम है, और जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, वैसे भी मॉलिक्यूल क्या है बहुत कम है। तो ओवरऑल ये जो पीक पॉइंट होता है ना, पीक पॉइंट, ये दिस इज योर पीक पॉइंट। पीक पॉइंट मतलब ये होगा कि इस पॉइंट पे देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, इस पॉइंट पे जैसे जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं फ्रैक्शन मॉलिक्यूल बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड भी बढ़ते जा रहा है, मतलब ये होगा कि ये जो पॉइंट होगा ना, ये मुझे देता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। और ये डेफिनेशन भी होता है मेरा कि जो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की जो स्पीड होती है, जो मतलब जो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक ही स्पीड जो दिखाते हैं, वही मेरी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है। तो तीन चार बातें हमें सीखने मिली। पहली बात है, जो मॉलिक्यूल जीरो स्पीड से जाते हैं वो भी बहुत कम है, और जो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा स्पीड से जाते हैं वो भी बहुत कम है। ठीक है, ओवरऑल क्या होता है कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो होता है वो पीक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो कि वो स्पीड होती है वो होती है VMPS होती है। क्या होती है, VMPS। इज दैट क्लियर? तो इस पॉइंट को मैं लिख लेता हूं, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे फोर्थ पॉइंट, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो स्पीड
corresponding to 0 speed, corresponding to 0 speed is very less, is very less, as well as fraction of molecule corresponding to high speed are also very less. ये भी बहुत क्या होता है, कम होता है, ठीक है। फिर पॉइंट क्या बोलता है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल पॉजेस अ कॉमन वेलोसिटी, पॉजेस अ कॉमन velocity, possess a common velocity which is represented by the which is represented by the peak of the curve which is represented by the peak of the curve and it is known as VMP, ठीक है। मतलब peak of the curve क्या रहता है, maximum fraction of molecule common velocity represent करता है, जो कि हम क्या बोलते हैं, most probable speed बोलते हैं। तो यहाँ तक आप, I hope आपको दो चार बातें क्लियर हो चुकी होंगी। देखो अब कभी कभी ग्राफ इस तरीके से भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि मान लो ये सेम ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें एक मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया, एक पॉइंट यहाँ पे दिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया। लेट ये है मेरा V1, V2, V3, V1, V2 और V3, ठीक है। पॉइंट वन, चलो ऐसे समझो, ये पॉइंट वन है, पॉइंट टू और पॉइंट थ्री है। पॉइंट वन की बात करो, पॉइंट वन में जो स्पीड होगा वो कितना होगा, ठीक है। अब ऐसे समझो, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए है, यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बी है और यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सी है। तो पॉइंट वन में जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है, देखो मैक्सिमम पीक पे है। वन पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम पीक को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऑब्वियस बात है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड का ही ग्राफ है। किसका ग्राफ है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड का ग्राफ है। तो ध्यान से समझो कि पॉइंट वन पे जो है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है, और ऑब्वियस बात है ये जो स्पीड होती है, जो पीक वाले पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करती है, जो स्पीड, उसको हम बोलते हैं, वो होता है मेरा वीएमपी, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ए रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पॉइंट टू पे स्पीड कौन सी हो जाएगी, अब देखो आपको याद होगा कि वीएमपी इज लेस देन वी एवरेज, इज लेस देन वी आरएमएस। तो सेम डाटा यहाँ पे भी हो, इससे तो ज्यादा स्पीड होगा वो ऑलमोस्ट कौन सा होता है, वी एवरेज होता है। क्या होता है, वी एवरेज होता है। फ्रैक्शन की फ्रैक्शन मॉलिक्यूल बी इतने पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। पॉइंट थ्री पे आपको क्या रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, जो स्पीड है वो किसके बराबर होगा, ये वी आर एम एस के बराबर। देखो स्पीड बढ़ते जा रही है तो फ्रैक्शन मॉलिक्यूल भी क्या होता जा रहा है, घटते जा रहा है। मतलब जो हाईएस्ट स्पीड होगा वो बहुत कम मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, वी आर एम एस। और ये फ्रैक्शन मॉलिक्यूल सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, एरिया अंडर द कर्व जो रहता है हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है, हमेशा यूनिटी रहता है। क्या रहता है, यूनिटी, ठीक है। आप चाहे टेम्परेचर बढ़ा होगा तो उससे उसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सिक्स पॉइंट, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व इज कॉन्स्टेंट एट ऑल टेम्परेचर,
and it is equal to unity, and it is equal to unity, and it is equal to unity. भाई area under the curve किसी भी temperature पे हमेशा constant रहता है और हमेशा unity के बराबर होता है, ठीक है. और अगर आपने temperature बढ़ाया तो temperature बढ़ाने से क्या होता है, देखो इसका भी एक possibility है, ठीक है. समझो इसमें जो ग्राफ नेक्स्ट जो बन सकता है, सपोज करो ये ऐसा, अगेन फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल अच्छा क्वेश्चन रिप्रेजेंट हो सकता है कि एक ग्राफ ऐसे दिया मैंने, एक ग्राफ ऐसे दिया मैंने और एक ग्राफ ऐसे दिया मैंने, ठीक है. तो ये पॉइंट पीक वन वी वन है, ये पॉइंट वी टू है और ये पॉइंट वी थ्री है, ठीक है. लेट्स से टी वन टेम्परेचर पे, ये टी टू टेम्परेचर पे और ये टी थ्री टेम्परेचर. ध्यान से समझ, बिल्कुल बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल और स्पीड का ग्राफ है, बट यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट कर्व लिए हैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे. तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, देखो समझो कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि आप लास्ट क्लास में हमने अभी सीखा था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, ना वो उसके स्पीड पर डिपेंड करती है, ना गैस मॉलिक्यूल के मास के ऊपर डिपेंड करेगी. बहुत सारे बच्चे ये लॉजिक लगाते हैं हाफ एम बी स्क्वायर है तो मास ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी, नहीं, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है. क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में क्लियर क्लियर स्टेटमेंट लिखा है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस सैंपल इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, बराबर ये लिखा हुआ था. सेम चीज है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इसका मतलब क्या है, स्पीड भी बढ़ रहा है ना. टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड भी तो बढ़ रहा है. तो सिंपल सी बात है कि क्योंकि ये ऑलरेडी वी एमपीएस है और मुझे पता है वी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू अंडर रूट टू आर टी बाय एम. मोलर एक ही गैस है, ये क्या है मेरा, गैस सेम है, ठीक है, गैस सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर. ये जो ग्राफ है इसमें गैस मैंने तो क्या किया है, सेम किया, बट टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया इसमें, डिफरेंट कर दिया. समझ बात को थोड़ा ध्यान से. तो जैसे आपने टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी टेम्परेचर पे ये एरिया अंडर द कर्व हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो यूनिटी का रहेगा. तो अपने आप को मेंटेन करने के लिए ग्राफ थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा और पीक थोड़ा नीचे आ जाएगा. बात समझना, इसका मतलब होगा कि वी एम पी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने से वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है. वेलोसिटी बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ तो रही है लेकिन जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या हो रहा है, घट रहा है. मतलब मान लो इस टेम्परेचर पे अगर मेरे पास 100 मॉलिक्यूल 100 के स्पीड के साथ जा रहे थे, इस टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा कि 50 मॉलिक्यूल 200 के स्पीड से जाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने पर मान लो 25 मॉलिक्यूल 300 के स्पीड से जाएंगे. वेलोसिटी बढ़ रही है टेम्परेचर बढ़ाने पर, बट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो मोस्ट प्रोबेबल जो मतलब जो मैक्सिमम मॉलिक्यूल एक स्पीड पजेस कर रहे थे वो मैक्सिमम मॉलिक्यूल घट जाएंगे मेरे, बस फर्क इतना ही है इसमें. तो क्या होता है जैसे टेम्परेचर घटाते हो तो जो कर्व जो होता है वो राइट हैंड साइड तरफ क्या हो जाता है मेरा, शिफ्ट कर जाता है. राइट हैंड साइड तरफ क्या हो जाता है मेरा, शिफ्ट करने लगता है और ओवरऑल एरिया हमेशा क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है. आई बात समझ में. तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं V1 V2 V3 कंपैरिजन करूं तो आप देख रहे हो क्योंकि T1 less than T2 greater than T3, नहीं भी समझ में आता आप ऐसे से समझ लो, क्योंकि इस तरफ x एक्सिस से x एक्सिस की तरफ बढ़ने की तरफ से वेलोसिटी बढ़ रहा है मेरा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि V3 is greater than V2 is greater than V1. इसका मतलब ये होगा कि V3 पे जो T3 टेम्परेचर होगा वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम मुझे पता है VMP is directly proportional to temperature. समझ में आया सबको, is that clear to everyone? चलो ठीक है, तो ये ओवरऑल आपका एक कॉन्सेप्ट था. चलो इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं. देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी होता है, एक तो मैंने क्या किया गैस को सेम रखा टेम्परेचर डिफरेंट कर दिया, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि गैस को मैं डिफरेंट करके टेम्परेचर सेम रखू. मान लो अगर ग्राफ कुछ ऐसा दिया, ग्राफ उसे ऐसा दिया कि मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है, अब इसमें समझो बात को कि लेट ये गैस ए का ग्राफ है और ये गैस बी का ग्राफ है, ठीक है. यहाँ पे टेम्परेचर मैंने क्या रखा है, सेम रखा है. अगेन ये स्पीड और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल का है.
आपको बताना है कि किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, ए का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा बी का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है किसी इस ग्राफ में हमेशा पीक पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इस ए का हो जाएगा और ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, ठीक है। अब टेम्परेचर तो क्योंकि सेम है, टेम्परेचर सेम है, लेकिन मैं यहाँ फॉर्मूले से डायरेक्ट देख सकता हूँ कि वी एम पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, वी एम पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रूट अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये होगा कि जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि mb का मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो mb का मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ज्यादा है तो इसका मॉलिक्यूलर मास a से क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें बनते हैं, आई बात समझ में, ठीक है। चलो और कोई और तो इसमें ज्यादातर इसमें कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, ठीक है। तो ये आपका पार्ट टू यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो आपका सेकंड पार्ट था, जो इम्पोर्टेंट पार्ट था, वो यहाँ पे आपको बिल्कुल खत्म हो गया। अब जो हम जो करने जा रहे हैं इसके बाद आता है रियल गैस, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे चैप्टर में, जिसमें 100% क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। लेट अस कंटिन्यू दैट टॉपिक। और रियल गैस तो भैया बहुत अच्छे से सीखना, बहुत अच्छा और काफी इजी टॉपिक है वो, और बहुत इजी टॉपिक है, मतलब कुछ भी उसमें ज्यादा है नहीं। ठीक है, रियल गैसेस, रियल गैसेस, या इसको हम नॉन आइडियल गैस भी बोलते हैं, नॉन आइडियल गैस, रियल गैसेस या नॉन आइडियल गैस, ठीक है, रियल गैस और नॉन आइडियल गैस समझो। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर में रियल गैस और आइडियल गैस का मेन डिफरेंस क्या होता है। देखो आइडियल गैस में क्या होता है, अगर कोई गैस आइडियल गैस है तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे हमेशा फॉलो करेगा, किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। अगर कोई गैस किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे पीवी इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन को फॉलो करता है, इट मींस वो आइडियल गैस होगा। और अगर कोई गैस पर्टिकुलर कंडीशन पे, सिर्फ पर्टिकुलर कंडीशन पे ही पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है तो ही वो गैस कौन सा कहलाता है, रियल गैस या नॉन आइडियल गैस। और वो कंडीशन क्या होती है, क्योंकि आपको मैंने क्लास मतलब जब गैस स्टेट हमारा स्टार्ट हुआ था तो उसके स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा रियल जो अगर गैसेस स्टेबल कब होती है, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर, याद रखना सिर्फ इसी कंडीशन पे रियल गैस क्या करता है, आइडियल गैस को फॉलो करता है। ऐसा नहीं कि रियल गैसेस का मतलब पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो नहीं करता, करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फॉलो करता है, इसलिए वो रियल गैस कहलाता है, ये बात समझ। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, नॉन आइडियल गैस कहते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस, द डिफरेंस बिटवीन रियल गैस एंड आइडियल गैस इज, ठीक है, पहला डिफरेंस क्या है, अ गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, ए गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर, एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर इज नोन एज आइडियल गैस, उसको हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस बोलेंगे, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है, पहला डिफरेंस तो आपको यहां समझ में आया कि भैया जो पर्टिकुलर कंडीशन में फॉलो करता है लो प्रेशर हाई टेम्परेचर पे तो रियल गैस हो जाएगा, और जो हर कंडीशन में फॉलो करता है वो होता है आइडियल गैस, ठीक है। ये पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है, आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से पढ़ाया था कि इससे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए थे वो हमने ये मान के किया था कि भैया मतलब पार्ट वन में जो भी क्वेश्चन किया था कि कोई आइडियल गैस है इस कंटेनर में, तो हम क्या कहते हैं, जो भी कंटेनर का वॉल्यूम होता था वही वॉल्यूम ऑफ द गैस होता था, ठीक है। वो क्यों होता था, क्योंकि जब आप उसको कंप्रेस करोगे तो इतना सा पार्ट आपको कंप्रेशन में लिक्विड मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया गैस को जब आप कंप्रेस करते हो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब आप उसको कंप्रेस करते हो, मान लो 10 लीटर का कंटेनर में 10 लीटर का गैस डाल दिया, तो उसको कंप्रेस करने पर आपको सिर्फ इतना सा पार्ट मिलेगा, मतलब आपको 1 ml मिला, तो क्या 1 ml को मैं 10 लीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट कर सकता, बिल्कुल नेग्लेक्ट कर सकता। लेकिन अगर वही 10 लीटर के कंप्रेस में आपको रियल गैस डाल दिया, 10 लीटर के कंटेनर में अगर रियल गैस डालते हो और उसको कंप्रेस करने का अप्रॉक्सीमेटली 2.5 लीटर आपको गैस मिल जाएगा, ठीक है, लिक्विड लिक्विफाइड गैस मिल जाएगा, ठीक है।
तो लिक्विफाइड गैस मिलने पे क्या होगा, आपको वो उतना अमाउंट आप कभी भी किसी भी तरीके से आप उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है। और क्यों क्यों एक स्पेसिफाइड वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल होता है, जबकि रियल गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होता। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि इनका इनका मॉलिक्यूल बिल्कुल पॉइंट मास के होते हैं। क्या होता है, पॉइंट मास के, लेकिन इनका रिजिड स्फेरिकल होता है। रियल गैस वालों का मॉलिक्यूल क्या होता है, रिजिड स्फेरिकल, ठीक है। तो फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, फॉर आइडियल गैस वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल, इज निग्लिजिबल, ठीक है। वॉल्यूम तो निग्लिजिबल होता ही होता है। आपको याद है एक और पॉइंट मैंने बताया था केटीजी वाले में, कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, तभी तो आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि जब फोर्स ऑफ लिक्विड कब कन्वर्ट होगा भैया, जब वो मॉलिक्यूल पास में आएंगे, ठीक है। आपको याद है पहले पहले लेक्चर में आपको डिफरेंस बताया था कि सॉलिड मॉलिक्यूल के बहुत क्लोज रहते हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल थोड़ा सा गैप में रहता है, गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत डिफरेंस में रहते हैं, ठीक है। अगर उनके बीच में अट्रैक्शन है, यदि यदि अट्रैक्शन है, आप उनको कंप्रेस करना चालू करते हो, तो एक समय के बाद वो क्या हो जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। लेकिन अब मान लो ऐसा होगा, अगर क्लोज आने पर अगर कोई अट्रैक्शन ही नहीं है, तो आप कितना भी कंप्रेस कर लो कभी भी क्लोज नहीं आ सकते, पॉसिबल ही नहीं कि वो क्लोज आ जाएंगे। इसलिए क्या होता है, आइडियल गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन रियल गैस को आप इजीली लिक्विफाई कर सकते हो, ठीक है। निग्लिजिबल एज वेल एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एज वेल एज फोर्स ऑफ as well as force of attraction between gas molecule, between gas molecule is also negligible, between gas molecule, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, पहला डिफरेंस PV equal to nRT को फॉलो करता है हर प्रेशर टेम्परेचर पे, आइडियल गैस के बारे में उनका वॉल्यूम भी निग्लिजिबल होता है और उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये सब हो सकता है ना, कि आपसे डायरेक्ट थ्योरेटिकल बेस्ड स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रियल गैस, तो ये सब पॉइंट्स आपको याद ही रखने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है डिफरेंस में, ठीक है, अ गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, ये रियल गैस की बात कर रहा हूँ, अ गैस विच फॉलोज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर इज नोन एज रियल गैस, ठीक है। एक तो पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो करता है, ठीक है, रियल गैस मॉलिक्यूल हैव सिग्निफिकेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज रियल गैस मॉलिक्यूल हैव सिग्निफिकेंट वॉल्यूम। आई बात समझ में, उनका अपने आप में भी एक वॉल्यूम होता है जिसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, ठीक है। आपको याद होगा P वर्सेस V में एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइडियल गैस का ग्राफ कैसे रहता था, इस तरीके से रहता था, नेचर कैसा रहता था, इस तरीके से रहता था, ठीक है। अगर मैं बात करूं, दिस इज फॉर आइडियल गैस, लेकिन अगर मैं रियल गैस की बात करूं, तो देखिए डॉटेड लाइन है ना रेड वाला, ये रेड वाला आपको कहां जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ठीक है। अब इसका एक अपना मीनिंग है, ठीक है, समझो बात को, क्या मीनिंग है, देखो ये तो आपको रियल गैस को बता रहा है, और ये किसको बता रहा है, आइडियल गैस को, किसको बता रहा है, आइडियल गैस को, ठीक है। अब बात समझो, इसका मतलब क्या होगा, कि एट हाई प्रेशर,
ये अब ऊपर में जा रहा हूं हाई प्रेशर पे, मतलब जो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम था हाई प्रेशर पे, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो गया मेरा, ज्यादा हो गया। इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। ये पार्ट मेरा क्या हो गया, हाई प्रेशर पे पॉजिटिव डेविएशन। एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से वॉल्यूम मुझे क्या मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है। तो इस पॉइंट इसलिए इस मतलब इसको क्या बोलेंगे, रियल गैस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब यहाँ देखो लो प्रेशर पे क्या है, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से वॉल्यूम क्या हो चुका है मेरा, कम हो चुका है। लो प्रेशर में क्या हो चुका है, मतलब सॉरी लो प्रेशर में एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से क्या हो चुका है, ये कम हो चुका है। देखो जो वॉल्यूम मिलना चाहिए वो वॉल्यूम नहीं मिल रहा आपको, इज दैट क्लियर। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये हो जाता है नेगेटिव डेविएशन। क्या हो जाता है, नेगेटिव डेविएशन, मतलब कुछ इस तरीके से। इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे ये वॉल्यूम से, लेकिन ये वॉल्यूम आपको मिल रहा है, मतलब ये क्या हो चुका, घट चुका ना। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में, ऐसे समझो मुझे ये वॉल्यूम मिलना चाहिए, बट वॉल्यूम क्या मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, मतलब वॉल्यूम घट चुका है। लो प्रेशर पे, लो प्रेशर पे वॉल्यूम क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, बट इसका वॉल्यूम ऑलरेडी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, ये वाला पार्ट मुझे शो कर रहा है नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये फर्क हो जाता है आइडियल गैस और रियल गैस में, इज दैट क्लियर। दिस इज द मेन फैक्टर। ठीक है, तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से अगर वॉल्यूम बढ़ गया है हाई प्रेशर पे, जिस प्रेशर पे जो वॉल्यूम होना चाहिए उससे वॉल्यूम मुझे ज्यादा मिल रहा है, मतलब वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और जिस वॉल्यूम से बड़ा वॉल्यूम कम हो चुका है, मतलब ये क्या शो कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस बात के ऊपर है कि कोई कोई भी गैस कितना हद तक पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कितना हद तक नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसके ऊपर ही बात है। मतलब जैसे कहने का मतलब है कि भैया जिस प्रेशर पे अगर आइडियल गैस, मान लो 1 atm पे, उस 1 atm प्रेशर पे अगर वॉल्यूम मुझे कितना मिलता है, 22.4 liter, लेकिन वो 22.4 liter नहीं शो करके मान लो 24 liter शो कर दिया, और 22. या तो 24 liter शो कर दिया, तो 20 liter शो कर दे। तो ये डिपेंड करेगा कि कितना हद तक वो डेविएशन शो कर रहा है, डेविएशन ही तो है ना ये एक दूसरे से। तो ये मुझे कौन बताता है, ये बताता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो यही बताता है, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी। इसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है समझना। इट इज डिनोटेड बाय ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय जेड, इट इज डिनोटेड बाय जेड, एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट, एंड इट गिव्स आइडिया अबाउट, एंड इट्स गाइड, इट गिव्स आइडिया अबाउट डेविएशन ऑफ गैस, डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। इट गिव्स आइडिया अबाउट डेविएशन ऑफ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सिंपल सा मतलब है, अगर आपको ऐसा समझा दें, आपके पापा, ठीक, जनरली सबके पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। आपके पापा को मान लो, आपका कोई कजन ब्रदर है, वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, ठीक है, मतलब समझ लो आइडियल बच्चा है वो, ठीक है। और आप हो रियल गैस, मतलब कभी पढ़ते हो, मतलब पर्टिकुलर कंडीशन पे पढ़ोगे, ठीक है, मतलब जब मार उड़ पड़ेगी, डांट उड़ पड़ेगी, ठीक है, उसी कंडीशन में आप पढ़ते हो, ठीक है। तब आपके जब मार्क्स आएंगे तो ठीक है, मतलब जिस कंडीशन में आप मार्क्स ले रहे हो और उसी कंडीशन में वो भी मार्क्स ला रहा है, तो कहीं ना कहीं जो डेविएशन होगा, मतलब मान लो उसके 99% आ गए और आपके 74% या 75% आ रहे हैं, तो कंपेरिजन आपसे किससे किया जा रहा है, आइडियल वाले से किया जा रहा है। तो उस तरीके से आपको बोले भाई इतना लायक वगैरह है, भाई इतने कम मार्क्स लाए, ठीक है। तो वो सिंपल सा यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है कि भाई रियल गैस का जो भी चीज हमें देखना होता है, वो हम किससे कंपैरिजन करें, हम आइडियल गैस से कंपैरिजन करें, भाई आइडियल तो ये होना चाहिए बट ऐसा मिल नहीं रहा। तो वही चीज बताता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एक टर्म है जो मुझे ये बताता है कि कितना डेविएशन शो करेगा कोई भी गैस। एक मिनट होल्ड करना जस्ट।
इट इज, ये मुझे बताता है आइडियल से कितना डेविएशन है, ठीक है। तो जेड इज गिवन बाय, ठीक है, इसको दो तीन तरीके होते हैं, ठीक है। जेड को मैं अगर डिवाइड कर दूं पीवी बाय एनआरटी, पहला फॉर्मूला क्या होता है पीवी बाय एनआरटी, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका होता है जेड बराबर क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रियल अपॉन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रेशर पे रियल गैस का वॉल्यूम पता है और आइडियल गैस का वॉल्यूम पता, उनको भी डिवाइड कर तो भी आपको पता चलेगा कि कितना डेविएशन है, ठीक है। तीसरा बट लास्ट बट नॉट लीस्ट जेड बराबर डेंसिटी है, तो मुझे पता है डेंसिटी और वॉल्यूम इनवर्सली रिलेशन होता है, तो डेंसिटी ऑफ आइडियल अपॉन डेंसिटी ऑफ रियल। अगर आपको डेंसिटी पता तो भी बेटर है, वॉल्यूम पता तो भी बेटर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जनरली क्वेश्चन में क्या होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस आपको क्या करना पड़ेगा, इट विल हमेशा क्वेश्चन में दिया जाएगा, और ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन। तो मैं वो भी लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ रियल, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एज्यूमिंग टू बी रियल एंड इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम एंड इट विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, क्वेश्चन में हमेशा दिया जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल, ये हमेशा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बाई यूजिंग PV equal to nRT, volume of ideal gas and it is calculated by using ideal gas equation PV equal to nRT, ठीक है, डायरेक्टली नहीं देगा तो बड़ा आपको इनडायरेक्टली देखो, डायरेक्ट पूछा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैंने क्या किया पीवी इक्वल टू एनआरटी को डिवाइड किया, ठीक है, अगर मैंने पीवी इक्वल टू एनआरटी को डिवाइड किया तो दो ही पॉसिबिलिटी, या तो ये दोनों बराबर होंगे मतलब तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी वन मिलेगी, और अगर बराबर नहीं हुआ तो वन बराबर नहीं होगा, मतलब समझ में आ रही बात। अगर आप पीवी को एनआरटी से डिवाइड करते हो तो जेड की वैल्यू दो ही पॉसिबिलिटी, या तो वन के बराबर होगी या तो वन के बराबर नहीं होगी, दो ही तो पॉसिबिलिटी, जीरो तो हो नहीं सकता भैया, ये तो बराबर होगा तो वन होगा नहीं बराबर होगा तो या तो वन से बड़ा होगा तो वन से छोटा होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं जब वन से बड़ा होगा तो क्या कंडीशन होती है, वन से छोटा होता है तो क्या कंडीशन होती है। तो इफ वी विल डिवाइड पीवी बाय एनआरटी, पीवी बाय NRT, then there are two possibility, ठीक है, दो ही possibility है। पहला possibility क्या है कि Z बराबर क्या हो जाए वन हो जाए, दोनों बराबर हो जाए, और ये तभी हो सकता है जब PV बराबर किसके हो जाए NRT के, इसका मतलब ये condition किसके लिए होती है हमेशा आइडियल गैस के लिए, मतलब पहला concept हमें क्या मिला कि भैया अगर Z की वैल्यू 1 आ रही है तो ये Z की वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 तभी आ सकती है जब वो खुद क्या होगा आइडियल गैस होगी, आई बात समझ में। और अगर 1 के बराबर नहीं आती है तो क्या सिचुएशन होती है ये भी देखते हैं, चलो ठीक है, तो इसका मतलब z इक्वल टू 1 तो होगा आइडियल के लिए, ठीक है, इसका मतलब रियल के लिए क्या होगा, रियल के लिए z कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि PV जो होगा वो nRT के बराबर नहीं होगा। तो दो पॉसिबिलिटी है भैया, या तो z 1 से बड़ा होगा या तो z 1 से छोटा होगा, और अगर 1 से बड़ा होगा तो क्या पॉसिबिलिटी है, 1 से बड़ा होगा तो PV का वैल्यू बड़ा होगा NRT से, ठीक है, पहला, या तो ये हो सकता है कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस जो होगा
वो ग्रेटर देन होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से, तभी तो मेरा क्या हो सकता है Z1 से बड़ा होगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, मतलब क्या 22.4 लीटर, मतलब पर्टिकुलर प्रेशर पे अगर 22.4 लीटर से ज्यादा वॉल्यूम मिल रहा है मतलब मेरे को Z ग्रेटर देन 1 का कंडीशन आ गया, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसको पॉजिटिव डेविएशन। अब देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स है, देखो रिपल्सिव फोर्स है तभी तो क्या मॉलिक्यूल दूर दूर जा रहे हैं, रिपल्सिव देखो किसी गैस मॉलिक्यूल के बीच में दो ही फोर्स होते हैं या तो अट्रैक्शन फोर्स होगा या तो रिपल्सिव, न्यूट्रल कभी नहीं हो सकता उनके बीच में, ठीक है। रिपल्सिव फोर्सेस का मतलब रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट कर रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में तभी तो वो क्या हो रहा है दूर दूर भाग रहे हैं। अब ऐसे समझो जैसे सपोज करो अगर मैं अभी तो वही ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता था कि जैसे हम पढ़ा के बाहर निकलते थे ठीक है, तो बच्चे हमारे पीछे पीछे आते थे डाउट पूछने के लिए ठीक है स्टाफ रूम तक, अगर मान लो सपोज करो मैंने उनको इग्नोर कर दिया, मैंने क्या कर दिया उनको कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, तो मान लो एक दिन बहाने मार दूंगा, दो दिन बहाने, तीसरे दिन बोलोगे यार छोड़ दो यार सर बताते नहीं, तो मेरे उनके बीच में कौन सा फोर्स जनरेट होगा, अट्रैक्शन तो नहीं होगा ऑब्वियस सी बात है, रिपल्सन होगा तो हम लोग बीच में दूरियां बनेंगे मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा, यहाँ पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करता है रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट ठीक है। जेड लेस देन वन मतलब ये क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, क्या हो जाएगा ये नेगेटिव डेविएशन कब होगा जब पीवी के वैल्यू एनआरटी से क्या हो कम हो, या मतलब ये भी हो कि वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ आइडियल, मतलब वैल्यू 22.4 से अगर कम आती है इसका मतलब वो नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा मतलब वॉल्यूम क्या हो वॉल्यूम घटने का मतलब क्या कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है उनके बीच में, इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो रिपल्सन फोर्स डोमिनेट करता है और वॉल्यूम घट रहा है मतलब अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है, तो यहां पे कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल डोमिनेट, इज दैट क्लियर, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए कि वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस इज 25 लीटर एट STP, ठीक है। प्रेडिक्ट द नेचर ऑफ गैस तो मैंने आपको पहले बोला था जो वॉल्यूम आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वो हमेशा वॉल्यूम किसका होगा रियल गैस का होगा, तो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस का आपको कितना आ रहा 25 और वॉल्यूम ऑफ आइडियल का STP कंडीशन में कितना आता 22.4, तो Z का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/22.4 मतलब इज ग्रेटर देन 1 से तो ज्यादा ही आएगी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग जो भी आएगी, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये तो समझ में आया कि ये नेचर तो क्या है व्हाट इज द नेचर ऑफ द गैस रियल गैस है, ये कौन सा नेचर है रियल गैस है, आइडियल गैस तो ये हो नहीं सकता, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन मान लो अगर इसी का पहला बिट ये था सेकंड बिट के व्हिच फोर्स इज डोमिनेंट बिटवीन मॉलिक्यूल, तो आपका आंसर क्या रहेगा कौन सा रहेगा अट्रैक्शन या रिपल्सन, वेरी गुड रिपल्सन फोर्स डोमिनेट, रिपल्सन फोर्स क्या रहेगा इनके बीच में डोमिनेट करेगा, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं अच्छे लेवल का, ठीक है, ताकि आप और कॉन्सेप्ट में पकड़ बन जाए कमांड हो जाए। क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, फोर गैस ए बी सी एंड डी हैव कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.6, 0.8, 0.6, 1.2, 1.8, ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
them in increasing order of deviation from ideal behavior. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, तो इसमें याद रखना कि मान लो डेविएशन जो होता है, अगर किसी का आपको डेविएशन देखना होगा तो डायरेक्टली आप मोड ऑफ जेड माइनस वन की वैल्यू देखो. जिसका ये वैल्यू सबसे ज्यादा होगा उसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा. इसका मतलब अगर ए की बात करूं, ए का कितना होगा जेड माइनस वन का वैल्यू 4. जेड माइनस वन की वैल्यू कितनी होगी 4. मतलब ये जेड दिया होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1.6 माइनस 1 मतलब 0.6. बी का कितना होगा 0.2, सी का कितना होगा 0.4 और डी का कितना हो जाएगा 0.8. इसका मतलब किसका डेविएशन सबसे ज्यादा होगा, इसका मतलब सबसे ज्यादा डेविएशन होगा डी का, फिर ए का, फिर सी का, फिर बी का, है ना. तो सबसे ज्यादा डेविएशन मतलब ये वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, सॉरी माय मिस्टेक, ये वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है. तो डेविएशन सबसे ज्यादा होगा डी में, उसके बाद होगा ए में, उसके बाद होगा सी में और उसके बाद होगा बी में. ये डेविएशन सबसे ज्यादा होगा. आई बात समझ में? आप ऐसे समझो, नंबर लाइन वन है, वन पे आइडियल है. अब वन से जो वैल्यू जितना दूर जाएगी मतलब वो तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, और वन से वैल्यू जितना कम आते जाएगा तो भी वो नेगेटिव डेविएशन करेगा. मतलब जो सबसे क्लोज टू आइडियल कौन रहेगा, क्लोज टू आइडियल रहेगा आपका बी, क्योंकि इसमें सबसे डेविएशन देखो सबसे कम है 0.2 आ रहा है. सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आ रहा है, 0.8 डी में आ रहा है. देखो आया पास, क्योंकि 1.8 फार मतलब 1 से बहुत ज्यादा दूर है, इसका मतलब डेविएशन बहुत ज्यादा होगा उसके अंदर. आई बात समझ में? तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा, आई होप सो. ठीक है, तो एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख देता हूं मैं कि हायर इज द वैल्यू ऑफ जेड, हायर इज द वैल्यू ऑफ जेड एंड क्लोजर टू वन lesser will be deviation. जो आपको देखने में समझ में, देखो 0.8 obvious बात है 1 के ज्यादा क्लोज है, तो इसका मतलब उसमें deviation सबसे कम होगा. 1.8 मतलब बहुत ज्यादा दूर है वो ideal behavior से, तो इसमें obvious deviation सबसे ज्यादा होगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इसमें जो पूछ दिया, इसमें जो पूछा था वो है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल. आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में अट्रैक्शन फोर्स मतलब किसमें सबसे ज्यादा होता है. देखो ये तो आपको पता है अट्रैक्टिव फोर्स किसमें होगा, जिसमें वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो 1 से छोटी वैल्यू किसमें है, बी में और सी में. ठीक है, और रिपल्सिव फोर्स किसमें सबसे किसमें होगा, जो 1 से ज्यादा होगा मतलब ए और डी में. अब देखो जो वैल्यू 1 के ज्यादा क्लोजर होगी उसमें अट्रैक्शन फोर्स भी कितना होगा, ज्यादा होगा ना, क्योंकि डेविएशन सबसे कम है. अरे बात समझ में, इसका मतलब सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स 1 से जितना ज्यादा पास में रहेगा तो आइडियली बिहेव करेगा, मतलब उसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा. समझो बात को, कि अगर मान लो ये वैल्यू 1 पे है, 1 की वैल्यू आइडियल है, और अगर मैं ये 0 है, ठीक है, तो ये वैल्यू जितने ज्यादा दूर जाते जाएगी, जितना वैल्यू कम होगा 1 से उतना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा. तो 0.6 ऑब्वियस बात है कम है, इसका मतलब सी का अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद बी का होगा, उसके बाद देखो 1 point और उससे ज्यादा किसमें होगा, उसके बाद होगा ए में और सबसे कम किसमें होगा डी में. ये अट्रैक्शन फोर्स का है, अगर रिपल्सिव फोर्स का करेगा तो इसका रिवर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ओवरऑल आज ये था बेसिक जो हमने पढ़ाया रियल गैसेस के ऊपर. ठीक है, बाकी चीजें कल कंटिन्यू करेंगे. आई होप सो, प्लीज इस क्वेश्चन को एक दो बार रिवाइज करिएगा, ठीक है, ताकि वो बेटर अंडरस्टैंड हो. थैंक यू वेरी मच, बाकी चीजें कल करते हैं.